Hello everyone, welcome back to Adhyayan Classes. Myself Santosh Kumar. Today we are going to study a new poem from ncert Honeycomb book of standard 7. The poem name is Chivvy, written by Michael Rosen. This is a very beautiful, very nice and very knowledgeable poem. Let us talk about the word Chivvy. Chivvy means to nag, to tell someone repeatedly, to urge someone to do something again and again. किसी को बार बार एक ही चीज कहना कि ये करो या ये ना करो, that is called chivvy. Here, the poem deals with the feeling of the poet, just like other children feel annoyed, irritated. When their grown-ups, their elders tell that what to do and what not to do. जब grown-ups बड़े लोग बच्चों को एक ही बात बार बार कहें कि ऐसा करो तो वैसा मत करो, ये करो वो करो, तो बच्चे कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं. तो थ्रू दिस पोएम द पोएट शेयर्स हिज फीलिंग्स. लेट अस सी द पोएम लाइन बाय लाइन एंड नो फाइंड आउट दैट व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर थ्रू दिस पोएम. ओके, सो लेट अस सी लाइन बाय लाइन. Grown-ups say thing like, grown-up says us like this, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick up your nose. Here, our grown-up says that, speak up, bolo, kyun chup-chap khade ho? Kabhi-kabhi aise elders bolte hain ki kyun chup se khade ho? Bolo, say something, don't talk with your mouth full. Apne मुंह में जब कुछ खाना हो, when you are eating something and something is there in your mouth, don't talk. खाना खाते समय बात मत करो, या मुंह में खाना है तो बात मत करो. So here poet says that don't talk with your mouth full. Don't stare, don't point, don't look someone continuously. किसी को लगातार मत देखो, किसी को point मत करो. When you talk about someone, don't put your finger towards him. उसकी तरफ उंगली मत करो, पॉइंट मत करो. एंड डोंट पिक अप योर नोज, एंड अपने नाक को साफ मत करो. हियर मीन्स द व्हेन यू आर इन पब्लिक प्लेस विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर रिलेटिव्स, डोंट पिक अप योर नोज. समटाइम्स चिल्ड्रन यूज देयर फिंगर्स टू पिक अप योर नोज, पिक अप देयर नोज. कभी कभी बच्चे उंगली डाल के अपने नाकों में फिर नाक साफ करते हैं. तो इसलिए जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो ग्रोन अप्स होते हैं, वो हमको ये गाइड करते हैं कि डोंट डू लाइक दैट. इसका ये सेंस है. लेट अस सी स्टेंजा सेकेंड. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. हियर अगेन द एल्डर्स सेज दैट सिट अप, से प्लीज. कभी कभी लोगों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, क्लासरूम्स में, या कहीं हम खड़े रहते हैं जहाँ हमको बैठना चाहिए, तो एल्डर्स हमको बोलते हैं कि सिट डाउन, बैठ जाओ. फिर बोलते हैं से प्लीज. अगर कुछ चीज़ मांगना है, कुछ पूछना है, तो ऑलवेज यूज द वर्ड प्लीज. प्लीज कहा करो. लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, आवाज़ कम करो. क्लासरूम में भी बच्चों को टीचर्स बोलते हैं शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज इनसाइड योर क्लासरूम, सो स्टे साइलेंटली. इस तरीके से बोलते हैं शोर मत करो. एंड शट द डोर बिहाइंड यू मीन्स जब आप घर से बाहर जाएं तो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके जाएं. व्हेन यू गो आउट ऑफ योर हाउस, ऑलवेज शट द डोर. तो यहाँ पे बोलते हैं एल्डर्स कि आप जब घर से बाहर जाओ तो दरवाज़ा बंद करके जाओ. डोंट ड्रैग योर फीट. कभी कभी चिल्ड्रेन अपने पैर को जमीन में घिसेटते हुए ऐसे चलते हैं, व्हेन दे वॉक. तो इस एल्डर्स ये भी बोलते हैं कि पैर को ऐसे ड्रैग करके मत वॉक करो. हैवंट यू गॉट अ हैंकी, ये भी बोलते हैं एल्डर्स कि क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, पसीना आ रहा है, पसीने से अपने अपना पसीना साफ करो, या अपने माउथ को साफ करो. इस तरीके से अपने साथ हैंकी नहीं रख सकते तुम. देन सेज दैट टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट. कभी कभी बच्चे अपने पॉकेट में हाथ डाल के खड़े रहते हैं, तो एल्डर्स बोलते हैं कि अपने पॉकेट से अपना हैंड बाहर निकालो.
Let us see stanza third. Pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt. No one thinks you are funny, take your elbows off the table. Can't you make your own mind up about anything? Here, the poet says that pull up your socks. कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अपना socks उसका elastic लूज हो गया है तो नीचे खिसक जाता है तो बोलते हैं कि उसका अपना सॉक्स ऊपर खींचो. कभी कभी तो बच्चे फंक्शन में अपने सॉक्स को नीचे फोल्ड किए रहते हैं तो एल्डर्स ऐसा बोलते हैं. स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू. चिल्ड्रन कभी कभी झुक के खड़े रहते हैं तो उनको बोलते हैं कि स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो. से थैंक यू, कोई भी आपकी मदद करे, कोई कुछ आपके लिए करे तो ऑलवेज से थैंक यू व्हेन समवन डू समथिंग फॉर यू. Don't interrupt. This is the one thing that elders says that don't interrupt. When two persons are talking or doing conversation between them, don't interfere. Unke beech mein dakhal andazi mat do. No one thinks you are funny. Koi aisa nahi sochta ki aap bahut hi funny hain. Take your elbows off the table. बच्चे कभी कभी टेबल पे बैठते हैं तो अपने एल्बोज को ऐसे टेबल पे रख के बैठते हैं तो बोला जाता है कि नहीं, डोंट कीप योर एल्बोज ऑन द टेबल, टेक ऑफ, उसको हटा लो. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग. क्या तुम किसी चीज़ों में अपना मन नहीं लगा सकते, किसी चीज़ के लिए अपना दिमाग सेटअप नहीं कर सकते? एक ही बात बार बार बतानी पड़ती है. सो लाइक दिस हियर our elders, our grown-ups always suggest us, always take care of us. हमें अच्छी चीज़ों को के बारे में बताते हैं क्या what to do and what not to do. So sometimes children irritated, annoyed, we should agree their suggestions. Okay, hope you would have understood the poem very well. I have shouted out some difficult words from the poem and written here, and I have written their meanings also. You can note down or you can take a screenshot. Okay, see you again with a new topic. Till then, keep study and stay happy. Bye bye.